Cylinders, complete solution for submersible pumps and electrical accessories near old auto office. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेट्रो न्यूज़ अपडेट्स में आपका इस्तकबाल है। आइए बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर पर। महबूब नगर बल्दिया का आज बजट इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें तमाम पार्टी से वाबस्ता काउंसलर्स ने शिरकत की। इस इजलास में मेहमान खुसूसी की हैसियत से मुकामी रियासती वजीर डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ व डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एस वेंकट राव और एडिशनल कलेक्टर ने शिरकत की। इस इजलास में सैयद सादत उल्लाह हुसैनी बल्दी फ्लोर लीडर मजलिस ने मुखातिब करते हुए कहा कि बल्दिया का ये बजट बेहतरीन रहा और बल्दिया लोगों पर उर्दू तहरीर न होने की शिकायत दर्ज की गई। इस बजट में कई स्कीमात के लिए रकम मंजूर की गई, जिसका इन्होंने शुक्रिया अदा किया। देखें ये रिपोर्ट। रियासती वजीर डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ साहब, आली जनाब म्युनिसिपल चेयरपर्सन साहब, कलेक्टर साहब, एडिशनल कलेक्टर साहब और म्युनिसिपल कमिश्नर साहब, डीएसपी साहब, वाइस चेयरमैन साहब और मेरे तमाम साथी काउंसलर, आज पहली मरतबा बजट के इजलास में हमारे वजीर रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ साहब और कलेक्टर साहब, एडिशनल कलेक्टर साहब और डीएसपी साहब हाजिर हुए हैं। मैं सबसे पहले उनका खैर मकदम करता हूं। इजलास में आज जो बजट रखा गया है म्युनिसिपल काउंसिल में 2021 और 2022 का बजट जो है 133 करोड़ 39,68,000 रखा गया है, ये बहुत बड़ा बजट है। मैं इसके लिए हमारे रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ साहब को मुबारकबाद देते हुए और इसके साथ साथ हमारे म्युनिसिपल चेयरपर्सन साहब को भी मुबारकबाद देता हूं। और अभी जो बजट के इजलास में हमारे रियासती वजीर साहब ने कहा है कि जल्द से जल्द बस्ती दवाखानों का इफ्तिताह करेंगे, तो मैं उसके लिए उनको मुबारकबाद देता हूँ। साथ ही साथ कलेक्ट्रेट में जो शिफ्ट हो रहा है कलेक्टर ऑफिस, वहाँ पर मिनिस्टर साहब ने कहा कि चिल्ड्रंस हॉस्पिटल बनाने का तो एक बहुत अच्छा काम है सर, वहाँ पर जरूर चिल्ड्रंस हॉस्पिटल बनाएंगे। और वहाँ पर अगर चिल्ड्रंस हॉस्पिटल बनेगा तो सेंट्रल सिटी में है, वो डेवलप होने के चांसेस है और सबको उससे फायदा होगा सर। और एक एक बात, और कुत्ता शुरू में जो कृष्णा वाटर की डंप की बात कही है, बहुत अच्छी बात है साहब, वो उससे हमारा टाउन डेवलप होगा सर। और कभी जरूरत पड़े तो वहाँ से पीने का पानी भी हम शहर को इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी बात है सर। और एक एक बात कहा है, माइनॉरिटी हॉस्टल्स के लिए 100 करोड़ रुपए से ज्यादा बजट अलाट हुआ है, तो उसके लिए भी मुबारकबाद देता हूँ। और खासकर मेरे भाई ने विधानपेट में एक इंस्टीट्यूशन खोलने का वादा किया है, उसके लिए भी मैं मुबारकबाद देता हूँ मिनिस्टर साहब को, ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि विधानपेट रेलवे ट्रैक के उधर है मक्का मस्जिद और जो है विधानपेट और जो है बहुत से वहाँ पर छोटे छोटे एरिए है, वो रेलवे ट्रैक की वजह से बैकवर्ड है। लिहाजा अगर इंस्टीट्यूशन, अब तो डबल बेडरूम आ गया है वहाँ पे, उसके अलावा इंस्टीट्यूशन भी अगर वहाँ पर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा और एक एक प्रपोजल बाईपास रोड का भी है सर, अगर वो भी बाईपास रोड का भी अगर मिनिस्टर साहब अगर दिलचस्पी लिए तो वो भी हो जाता। क्योंकि ये जो 2014 में जब MLA बने मिनिस्टर साहब, तो महबूब नगर की काउंसिल में ज्यादा से ज्यादा तरक्याती काम हुए हैं, जिस तरह मैं भी 2014 से 2019 तक मेरे वार्ड में खुद मैं 6 करोड़ रुपए के काम किया हूं और वहां पर ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है और कई काम ऐसे जो नहीं होने के भी हुए हैं। लिहाजा मैं मिनिस्टर साहब से ख्वाहिश करता हूँ, जो आपने अभी आपके तकरीर में कहा है उसको कीजिए। और आप देखिए 2020 और 2021 का बजट 39 करोड़ 46 लाख था, लेकिन 40 करोड़ 16 लाख खर्चा किया गया, उससे भी ज्यादा खर्चा किया गया। इस महीने के बजट के काउंसिल के इजलास में भी 20 करोड़ के काम रखे गए हैं,
बालवाड़ों में करोड़ रुपए के काम रखे गए हैं, बालवाड़ों में 50 लाख के, बालवाड़ों में 30-30 लाख के रखे गए हैं और बालवाड़ों में 10 लाख के रखे हैं। जो 10 लाख के रखे हैं उस वाड़ों में फिर दोबारा आने वाले मीटिंग में रखे तो बेहतर रहेगा, मेरा मुतालिबा है। और सब सबसे पहले ये स्टेट आने के बाद जो है पटना प्रगति का जो स्कीम अमल में आई है तो इस साल जो है 23 करोड़ रुपए हमारे मुंसिपालिटी को आए हैं, ये सबसे बड़ी बात है। अभी फरवरी में जो है 15 फाइनेंस के 8 करोड़ रुपए आए हुए हैं साहब हमारे बल्दिया को, वो 8 करोड़ रुपए से अगर हमारे वार्डों में अगर काम रखा जाएगा तो बेहतर रहेगा। और एक एक बात मैं काबिले मुबारकबाद मिनिस्टर साहब ने कल ही बागमार साहब की दरगाह में एक बहुत अच्छा कम्युनिटी हॉल बनाया है, उसके लिए भी मुबारकबाद देता हूँ। अब्दुल खादर साहब की दरगाह में बना रहे हैं, काम चल रहा है, शाहब बुट्टे में दरगाह में काम चल रहा है और जो है मक्का मस्जिद के कब्रस्तान में भी 35 लाख रुपए इससे पहले अलाट किए हैं, उसके लिए भी मैं मुबारकबाद देता हूँ आपको। साहब एक छोटा काम है वो आपको याद दिलाता हूँ, क्योंकि आप अगर काउंसिल के इजलास में आए तो वो फौरी अमल में हो जाता और काम हो जाता था, मेरा ये मानना है। और मौलानी बुट्टे में जो डबल बेडरूम बना रहे हैं बहुत अच्छी बात है, गरीब लोगों को घर मिल रहा है सर, वो हमारे को वहाँ पर कब्रस्तान के लिए लैंड दिए थे सर 5 एकड़, वो जल्द से जल्द वो बाजू में अगर कहीं बताए तो वो कब्रस्तान की जगह भी हमारे को अलाट हो जाती सर, मेरा आपसे मुतालिबा है। और एक एक अच्छा काम, लास्ट काउंसिल में इससे पहले हज हाउस का भी इशू आया था तो तमाम काउंसिल के मेम्बर्स ने कहा था कि मिनिस्टर साहब को कि वो मजलू की जगह हटा के दूसरी जगह रखा जाए, तो काउंसिल में भी आया, मुबारकबाद है साहब, वो काउंसिल का जो मरलू का है वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ था, वो भी अच्छी बात है। आपने हालिया दिनों में जो है उर्दू घर में जो देखा है वो बहुत अच्छा है साहब, अगर उसमें बनाए तो आपका भी नाम होगा, सेंट्रल सिटी में है और महबूब नगर के जो है हर एक को हर हाजी को आने के लिए वहाँ पर सहूलत होती है साहब। मेरा और एक मुतालिबा है साहब, हमेशा देराना मुतालिबा है कि मिनिस्टर साहब नहीं थे, अब मैं समझता हूँ मेरा काम हो जाएगा साहब। ये जो बजट का इजलास में मुंसिपल लोगो है साहब, ये लोगों को जो है इंग्लिश तेलुगु में रखा गया, इसको उर्दू में कर दिए तो बेहतर होगा, आप आगे सब हो जाता मेरे को नेक्स्ट मीटिंग में भरोसा है। और जो है और एक बाजू में भी है साहब, ये और एक लोगों तेलंगाना का है उसमें उर्दू है साहब, ये हमारे मुंसिपालिटी का हाँ मैं बराबर वही आपसे मेरा एक मुतालिबा है वो भी हो जाएगा। और एक सब अब यहाँ पर और एक छोटी एक मेरी एक रिक्वेस्ट है, गुजारिश है साहब, हमारे पास म्यूनसिपल टैक्स जो वसूल किया जाता है प्रॉपर्टी उसमें लाइब्रेरी टैक्स भी वसूल करते हैं साहब, आपसे मेरी ख्वाहिश है हमारे पास हर वार्ड में कम्युनिटी हाउस है, अगर वहाँ पर उस फंड से अगर एक छोटी सी हर वार्ड में एक लाइब्रेरी का कायम किया जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि बहुत से लोग बड़े लोग खाली जो है चौरस्तों पे या कट्टों पे रेलवे ट्रैक के पास वहाँ बैठे हुए रहते, अगर कम से कम एक छोटी लाइब्रेरी कार्पेट अगर ऐसा हवाड़ों में खोला जाएगा तो उस फंड से बेहतर रहेगा साहब। और एक साहब और जो बर्तन टेक के जो फंड्स आते हैं साहब, आप कब्रस्तानों के लिए तो काम बहुत कर रहे हैं साहब, पूरे कंपाउंड वाला उठा रहे चल रहा, और मक्का मस्जिद में भी और एक कब्रस्तान तो कंपाउंड वाला का काम होने वाला है, उसके लिए भी साहब एक बर्तन टेक में आपका भी नाम होगा साहब, फ्रीजर बॉक्स के लिए मस्जिदों को फ्रीजर बॉक्स अगर अलाट किया जाए और टेम्पल्स को अलाट किया गया, चर्च को अगर फ्रीजर बॉक्स आजकल देख पा नहीं था हमारे पास कम है साहब, लाइन्स क्लब में वाया है वहाँ पर कम है, कम रहने की वजह से अगर क्या हो रहा आजकल ज्यादा लोग फार्म में रह रहे था, फार्म में रहने से आने के लिए बाहर से 24 घंटे 48 आवर्स हो रहे था, वो बॉडी रखने के लिए जरा मुश्किल हो रही, अगर गवर्नमेंट अपनी म्यूनसिपालिटी से अगर उसको अलाट किया जाए तो बेहतर रहेगा। और एक हमारे पास जो है रथ यात्रा के लिए भी गाड़ियाँ और भी बढ़ा दिया जाए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि हर एक को ये मरने के बाद कब्रस्तान में जाना है, हर एक को सहूलत के लिए काम कर रहे हैं, मैं इसके लिए आपसे मुतालिबा करता हूँ कि जल्द से जल्द उस पर भी अमल किया जाए तो बहुत बेहतर रहेगा। और एक मुझे मैं जो मुझे मौका दिया जो उसके लिए मैं शुक्रिया खुदा। नाज़रीन आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा YouTube, Facebook और Instagram पर भी कर सकते हैं। अगर आप हमारा प्रोग्राम YouTube पर देख रहे हैं तो मेट्रो न्यूज अपडेट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.metronewsupdates.com पर भी मुशाहिदा कर सकते हैं और देखते रहिए आपका पसंदीदा चैनल मेट्रो न्यूज अपडेट्स।